तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ। और ये मैंने पहले से टू कार्ट कर रखा है, 5250 रुपये का है ये वन प्लस नोड 8 GB 128 GB। और देखिए, इसमें फ्रंट कैमरा ब्लर है बस, और स्क्रीन तो डैमेज हो भी सकती है, नई भी स्क्रीन लूज़ है, मेजर स्क्रैच है। तो ये डी माइनस ग्रेड की सीरीज चल रही है हमारी, बाकी सब ओके है इसका। तो चलिए इसे देख लेते हैं, कोई कूपन लग रहा है कि नहीं इसमें। तो 75 रुपीज़ का इसमें कूपन लग गया है, तो पता नहीं कूपन दे क्यों रखा है दोस्तों, मजाक कर रहे हैं क्या, 75 रुपये कूपन दे रखा है। तो एड्रेस चूज़ कर लेंगे अपना। तो देखिए, एड्रेस हमने ले लिया है, तो ऑर्डर लगाने हैं हम, COD में ऑर्डर लगाना है हमें। तो 5307 रुपये का पड़ जाएगा ये। तो डी माइनस ग्रेड की सीरीज चल रही है, इसकी वीडियो में मैं डालूँगा। तो अगर किसी और भाई को भी ऑर्डर लगवाना हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और पूरे इंडिया में डिलीवरी हो जाती है, कहीं भी आप डिलीवर करवा सकते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी हो जाएगी। तो हेलो दोस्तों, रॉयल अनबॉक्सिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ और एक वीडियो डेली बनाता भी हूँ, क्योंकि मेरे शॉप पे डेली फ़ोन आते रहते हैं दोस्तों। और शॉप होने के कारण फ़ोन आते रहते हैं और वीडियो डलती रहती है। तो ये कैशिफाई सुपर सेल से ऑर्डर लगाता हूँ मैं, जो कि एक B2B प्लेटफॉर्म है, B2B ऐप है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें होलसेल रेटों में फ़ोन होते हैं और शॉपकीपर्स का आईडी होती है, जो शॉपकीपर्स होते हैं इनके मोबाइल की शॉप है। तो अगर कोई फ़ोन 5000 रुपये का हमें मिल रहा है, तो हम इसे 7-8 हज़ार रुपये का बेचते हैं कस्टमर को। तो आप हमसे ऑर्डर अगर लगवाना चाहें तो लगवा भी सकते हैं, ऑर्डर चार्ज हमारे 250 रुपये है। लेकिन दोस्तों, इस बात का आपको ख्याल रहे कि आप अगर ऑर्डर लगवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ़ोन 5000 रुपये का आपको इसमें मिल रहा है कैशिफाई सुपर सेल में, वो आप अगर बाहर से लेने जाओगे तो 8 या 9 हज़ार रुपये का मिलेगा। और 250 रुपये ऑर्डर चार्ज ले रहे हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम है और बहुत ही अफोर्डेबल है सभी के लिए। तो इसमें आप ये ना गाएं कि पैसे कम करने वाली बात ना करें, और जिस भाई को लेना है वही ऑर्डर लगवाए, और नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी को कोई जानकारी चाहिए तो नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे पता कर सकते हैं किसी फ़ोन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, ये हमारे पास फ़ोन आया है, इसके अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आजकल पता नहीं कुरियर वाले क्या कर रहे हैं, देखना इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी एक, तो वो भी फटा हुआ आया था, मतलब जैसे सही से संभाल के नहीं रखते पैकेट ये, देखिए कैसे फटा हुआ पैकेट आया है। तो मैं चाहूँ तो इस चीज़ की कंप्लेंट डाल सकता हूँ, लेकिन दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं, उनकी नौकरी चली जाएगी कुरियर वालों की। तो चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, मेन होता है ये जो टेपिंग लगी होती है ये चेक करनी होती है, टेम्परिंग तो नहीं है, तो ये बिल्कुल ओके है। तो चलिए मैं फ़ोन आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, मैं सीधा अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ आपको फ़ोन की। तो मैंने ये भी फ़ोन डी माइनस ग्रेड में मंगाया है। तो दोस्तों, डी माइनस ग्रेड में अभी हमारे पास फ़ोन आए थे कुछ, जो सही भी आए हैं और कुछ बेकार भी आए हैं। तो आप अगर डी माइनस ग्रेड में ऑर्डर लगवाते हैं या डी ग्रेड में, तो अपने रिस्क पे लगवाएं दोस्तों, बाकी डी माइनस ग्रेड में मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी, लेकिन आप फिर भी लगवाना चाहते हैं तो मैं लगा दूंगा ऑर्डर। तो ये देखिए, ये फ़ोन हमारे पास आया 5306 रुपये का, वन प्लस नोड 8 GB 128 GB डी माइनस ग्रेड में है ये, और ये ग्रे कलर है, और ये इसके फ़ोन के EMI नंबर है, जो मैं आपको बाद में चेक भी कराऊंगा मिला के इसमें। और फ़ोन हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है नंबर, और ये शॉप का एड्रेस, तो बाकी आपको पता ही है सब कुछ। तो चलिए फ़ोन निकाल लेते हैं, फ़ोन देखते हैं कैसा आया। तो दोस्तों, आपको बताइए, हमारी डी माइनस ग्रेड की सीरीज चल रही है, अभी डी माइनस ग्रेड के फ़ोन मंगा रहा हूँ मैं। तो ये मैंने वन प्लस का फ़ोन मंगाया है डी माइनस ग्रेड में, तो चलिए देख लेते हैं कैसा आया ये। तो डी माइनस ग्रेड के दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, डी माइनस ग्रेड की पॉलिसी जो है वो ये है कि देखिए, फ़ोन पीछे से कंडीशन वाइज से दोस्तों बिल्कुल चमकता हुआ आया है। तो डी माइनस ग्रेड की पॉलिसी बता रहा था मैं आपको, तो मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ दोस्तों, एक ही चीज़ बताने हर वीडियो में एक ही चीज़ मैं इसलिए बताता हूँ, ताकि लोगों, बहुत से भाई हमारे कोई सारी वीडियो तो कोई देखता नहीं है, ऐसा होता है कि बहुत से भाई पहली वीडियो देख रहे हैं हमारी और वो ऑर्डर लगवाने आ जाए और हमने उस वीडियो में ना बोला हो, तो जानकारी अधूरी रहती है, इसलिए हर वीडियो में बताते हैं कि डी माइनस ग्रेड में दोस्तों दो फंक्शनेबल डिफेक्ट आते हैं, 3 अगर आए तो फ़ोन रिटर्न हो जाएगा, और डिस्प्ले का फॉल्ट तो कंपनी बोलती है, तो डिस्प्ले कैसी भी आए आपको रखना पड़ेगा, डिस्प्ले के ऊपर रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ अगर फंक्शन में डिफेक्ट होगा
दो तीन डिफेक्ट हुए तो रिटर्न हो जाएगा, दो डिफेक्ट होंगे तो नहीं होगा। तो ये मैंने फ़ोन मंगवाया है, मैं 5300 रुपये का बहुत ही अच्छे रेटों में है, और मैंने वन प्लस के सेटों के दोस्तों लाइन से लगा दिए। इस टाइम वन प्लस की वीडियो आपको देखने को मिलेगी सारी, और देखिए ये बिल्कुल भी टेम्परिंग ना करे, इसकी टेम्परिंग ना करे दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है। स्टिकर है, 48 घंटे तक फ़ोन चेक कर ले, 48 घंटे की वारंटी आती है। और ये बार कोड भी रिमूव ना करे दोस्तों, ये बार कोड भी अगर आप बिल्कुल थोड़ी भी टेम्परिंग इसमें करेंगे तो ये अगर आपका कुछ प्रॉब्लम रही तो रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ ताकि सभी को जानकारी ये पूरी मिल जाए। और देखिए फ़ोन कंडीशन वाइज तो देखिए दोस्तों, साइडों में से भी बिल्कुल ओके आया है। तो आगे से देखते हैं डिस्प्ले कैसी है, तो चलिए पलट के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों डिस्प्ले टूटी हुई तो कहीं से है नहीं इसकी, और डिस्प्ले है भी ओरिजिनल। तो अब हमें ये नहीं पता, आप देखिए जैसे एक इसमें यह भी आता है दोस्तों, असमंजस में है हम कि जैसे अब डिस्प्ले तो टूटी हुई नहीं है कहीं से, टूटी हुई भी आ सकती है तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि डी माइनस ग्रेड की यही पॉलिसी है। और कैसी वाई से माल आता है हमारा जैसा कि आपको पता ही है। और दोस्तों स्टिकर छुटाने के बाद, टेम्परिंग होने के बाद देखिए स्टिकर कैसा हो जाता है, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आप देख पा रहे हैं अंतर साफ साफ, ये स्टिकर कंपनी ने लगा के भेजा और ये जो है हमने रिमूव कर रखा था वो दोबारा लगाया, तो देख सकते हैं कितना अंतर है। कंपनी ने दोस्तों स्टिकर पे बहुत काम कर रखा है, बहुत तगड़ा भाई, करोड़ों की कंपनी है। तो ऐसे ही तो देखिए छोटे ये स्टिकर, ऐसे तो अगर नॉर्मली स्टिकर लगा के देखिए तो कोई भी दोस्तों इसमें टेम्परिंग कर सकता है। तो अब देखिए अब मैं इसे ऑन करूँगा, तो दोस्तों हमें ऑन करने के बाद ये यार पता नहीं चल पाएगा कि इसमें डिस्प्ले में क्या फॉल्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बैकग्राउंड छपा हुआ हो हल्का फुल्का तो ये डी माइनस ग्रेड में निकाल दिया, या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें लाइनिंग हो, वो तो चालू करने के बाद पता लगेगा। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ मैं ताकि जानकारी पूरी दे पाऊँ। और ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्ले की टच काम ना करे कहीं से, और ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्ले में स्पॉट हो, ब्लैक स्पॉट हो, या डिस्प्ले इसकी नीली पड़ जाती है उस टाइप से भी। तो एक भाई का हमारा डिस्प्ले नीली आ चुकी है, मैंने उसकी वीडियो में भी दिखाया था, और इससे पहले की वीडियो जो मेरे पास आई ही मैंने डाली है उसमें भी नीचे स्पॉट है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, समय बहुत ही लगा दिया मैंने, तो इसको ऑन करके देख लेते हैं, दुआ करते ऊपर वाले से ठीक निकले। तो देखिए दोस्तों मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, देखिए डिस्प्ले में निशान है, ये देखिए ये डिस्प्ले में निशान है, पिंक पिंक सी देखिए निशान है, और डिस्प्ले ख़राब है ये। तो यही मैं बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि डी माइनस ग्रेड में फ़ोन का रेशियो कितना है, वही मैं बताने के लिए मैंने ये फ़ोन मंगा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज बनता है कि आप चैनल को हमारे आगे तक पहुँचाएं, सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, और ख़ुद नहीं कराओ तो करें और अपने यारों दोस्तों को भी बताएं। तो देखिए ऑन होने पर पता लगेगी इसकी पूरी कहानी। तो देखिए ऑन हो चुका है, और ये देखिए जो कि मैं आपको बता ही रहा था कि दोस्तों देखिए डिस्प्ले, ये देखिए पूरी डिस्प्ले बेकार है, और पूरी डिस्प्ले इसकी डैमेज हो रखी है जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, पूरी डिस्प्ले डैमेज है। ये देखिए ये ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा पहले हल्के हल्के फैलते फैलते पूरे डिस्प्ले पर आ जाता है, तो डिस्प्ले इसकी ख़त्म है दोस्तों, बिल्कुल बेकार है। और ये बिल्कुल बेकार फोन आया है, हमारे पैसे वेस्ट है, अब इसमें हमें डिस्प्ले डालनी पड़ेगी। तो चलिए बाकी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी रही है, तो फिर भी इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, तो कैमरा चला के चेक कर लेते हैं, दुआ करेंगे इसमें तीन प्रॉब्लम निकल के आ जाए तो हमारा रिटर्न हो जाएगा ये। तो देखिए बैक कैमरा इसका दोस्तों बिल्कुल ठीक है, तो मैं किसी और से उसको देखता हूँ। ये देखिए बैक कैमरा इसका बिल्कुल ठीक है दोस्तों, और ये इसका देखिए जूम वाला कैमरा है, ये भी दोस्तों बिल्कुल क्लीन है। और ये देखिए इसका ये वाइड एंगल कैमरा है, ये भी इसका ठीक है दोस्तों। तो कैमरे इसके तीनों ही ठीक है, फ्रंट वाला, बैक वाला और फ्रंट वाला भी देख लेते हैं। चलिए तो ये फ्रंट चलाया देखिए मैंने, तो फ्रंट कैमरा भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, और वाइड एंगल वाला भी, पर हल्का सा मुझे धुंधला लग रहा है। तो ये ये कैमरा इसका, कैमरे पर एक प्रॉब्लम तो आ गई है इसकी, तो इसको तो देखिए दोस्तों फ्रंट कैमरा धुंधला है, जो कि हाँ धुंधला है, तो एक प्रॉब्लम तो इसकी ये निकल के आ चुकी है। तो एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको दिखा दी दोस्तों, अब दूसरी प्रॉब्लम के लिए हमें इसमें
इसके वो देखना पड़ेगा कि इसमें साउंड वगैरह हमें चला के, तो देखिए साउंड बिल्कुल ओके है दोस्तों, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखिए मैं पास से दिखाता हूँ, तो साउंड बिल्कुल ओके है, बट डिस्प्ले इसकी देखिए बेकार आई है पूरी। और बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है जो हमारे से ऑर्डर लगवाते हैं, किसी का कोई फ़ोन अगर बेकार आया था D- में, तो वो अंडर पॉलिसी होता है दोस्तों, डिस्प्ले ख़राब आ, एक भाई की आई थी तो वो हमसे कहने लगे कि ये भाई ख़राब हो आइए डिस्प्ले रिटर्न हो जाएगा, अभी हमारा खुद रिटर्न नहीं होगा बताइए, तो लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे पास फ़ोन सही आते हैं, हमारे पास भी ऐसे फ़ोन आते हैं, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कोई हम कंपनी वालों से मिले हुए नहीं हैं, अपना कंपनी हमारी सगी है, वो सबके लिए एक बराबर है, तो रिंग टोन भी इसकी सही है, एक बार डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी इसका चेक करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो दोस्तों इसका वैसे भी बहुत ही अच्छा काम करता है, और डिस्प्ले ये ओरिजिनल है इसकी, तो डिस्प्ले फिंगर भी लगा के देख लेते हैं, तो देखिए डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी इसका सही काम कर रहा है बिल्कुल, और देखिए कितनी स्पीड में लग रहा है, क्योंकि डिस्प्ले ओरिजिनल है दोस्तों, तो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसका फास्ट ही काम करेगा, और 10 बार लगाएंगे आप तो 10 बार खुल भी जाएगा, क्योंकि इनके फिंगरप्रिंट बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो देखिए लग चुका है फिंगरप्रिंट, और ये देखिए खुल गया, देखिए एक बार लगाया मैंने, दो बार लगाया खुल गया, तीसरी बार भी लगाया खुल गया, ये चार और ये पाँच, और जब मैंने 10 बार बोला है तो 10 बार आपको लगा के भी दिखाऊंगा, ये छः और ये सात और ये आठ और ये नौ और ये 10, तो आपने देखा डिस्प्ले इसका फिंगरप्रिंट का दोस्तों रिस्पॉन्स कितना अच्छा है, तो इसीलिए दोस्तों वन प्लस के बहुत दीवाने हैं, आईफोन के बाद इनका ही नंबर आता है वन प्लस का, तो बस थोड़ी सिक्योरिटी पर्पज़ से इनकी प्रॉब्लम रहती है, फ़ोन की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती वन प्लस वालों की, तो बाकी नहीं तो फ़ोन चलने में बहुत ही अच्छा होता है, और बहुत से गेमर होते हैं जो कि मेरा खुद भी एक दोस्त गेमर है, वो उसको वन प्लस के साथ रूट कर लेता है वो, ताकि गेमिंग वगैरह खेलने में आसानी हो, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन रूट करने वाले रूट कर लेते हैं इसको, रूट करके गेम पे पूरा कंट्रोल आ जाता है गेमिंग वगैरह में, तो दोस्तों इसकी सब चीज़ें मैं आपको चेक करा चुका हूँ, अब एक बार मैं सिम डाल के भी चेक करूँगा इसमें कि एक आधी प्रॉब्लम इसमें निकल जाए, और वैसे मुझे प्रॉब्लम लग नहीं रही है, तो दोस्तों देख रहे हैं आप 5300, तो इसमें आपको सिम भी डाल के दिखाएंगे हम, और इसमें आपको मैं चार्जिंग भी लगा के चेक कराता हूँ, तो इसमें फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन अगर फ़ास्ट चार्जिंग नहीं भी करेगा तो भी हम इसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं किसी कीमत पे भी, तो देखिए दोस्तों चार्जिंग का लोगो तो आ चुका है इसमें, और दोबारा भी एक बार पलट के भी लगा के देख लेते हैं, तो देखिए चार्जिंग आ चुकी है इसमें, लेकिन दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ से डिस्प्ले की डैमेज हुई पड़ी है, तो आवाज़ सुना देता हूँ आपको, ये देखिए आवाज़ आएगी चार्जिंग के लगाने की, देखा आवाज़ आई हल्की सी, तो चार्जिंग पे लग चुका है, चार्जिंग ओके है, तो इसका फिंगर ये भी एक बार लगा के हम सिम ट्रे भी लगा के देख लेंगे, सिम लगा के भी चेक कर लेते हैं, तो दिखाई तो दोस्तों सिम देगी भी नहीं ऊपर कि सिम आई है कि नहीं, लेकिन सिम आ ही जाएगी इसमें, क्योंकि इतना तो चेक कर ही रखा होगा, तो मैंने सिम अपनी डाल दी है, और उम्मीद करता हूँ सिम आ गई होगी इसमें, तो चलिए कॉल करके देख लेते हैं, कॉल करके देखने में पता लगेगा, तो अब तक तो दोस्तों इसमें एक ही प्रॉब्लम दिखाई पड़ी है मुझे, और मैं इसमें कॉल करके देख लेता हूँ, तो देखिए कॉल आ चुकी है इसके अंदर, देखिए मैंने कॉल मिला दी है, तो उठा के चलिए बात करके देखते हैं, तो सेंसर चेक करते हैं, देखिए बिल्कुल ख़तरनाक सेंसर काम कर रहा है, देखिए कितनी स्पीड में, तो बात करके देखते हैं, हेलो हेलो, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें सब कुछ वर्किंग है, और आपने ये देखा कि मैंने सब कुछ चेक कराया आपको, और ये मैंने 5300 रुपये का ऑर्डर लगाया था अपनी शॉप के लिए ही, तो कंडीशन वाइज बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में फ़ोन है, फ़ोन की कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आई है, फ्रंट कैमरा इसका वाइड एंगल वाला ब्लर है, और बैक कैमरा कोई सा भी ब्लर नहीं है, तो इसमें दो ही एक ही कमी निकली है, दूसरी कमी इसमें नहीं निकली, तो मैं इसको रिटर्न भी डाल नहीं पाऊँगा, तो इसकी मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि D- ग्रेड की क्यूसी रिपोर्ट भी आ रही है, तो वो भी मैं डाल के दिखाऊँगा, वीडियो भी इसके डालूँगा, तो वीडियो भी आप देखना एंजॉय करना, और दोस्तों 5300 रुपये की एल लग गए मेरे, अब इसके डिस्प्ले जो है ओरिजिनल तो मिलेगी नहीं, कॉपी डिस्प्ले मिलेगी,
एलईडी में डिस्प्ले मिलेगी इसकी, और एलईडी में डिस्प्ले भी इसकी कम से कम 3500 या 4000 रुपए की है। तो देख रहे हैं आप कितने का पड़ जाएगा, ये 9-10 हज़ार रुपये का सेट पड़ जाएगा मुझे, और ये बिकेगा कितने का, 10 हज़ार रुपये का भी नहीं बिकेगा ये। तो दोस्तों ये देख लीजिए आप कि आप लोगों के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं, पैसे वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्जी देखिए बनता बार बार कहता हूँ मैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उन लोगों से कहूँगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और वाईफाई भी हमने इसका चेक नहीं करा, तो चलिए एक बार सिम निकाल लेते हैं इसमें से, और सिम निकाल के इसमें हम वाईफाई चेक करते हैं। तो एक बार दोस्तों हम अंदर, एक हमें मौका और मिल रहा है तो अंदर जाके ये भी देख लेंगे कि इसमें मोबाइल नेटवर्क में 5G आ रहा के नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है 5G के नेटवर्क नहीं आते तो उसमें हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, पर इसमें आ रहे हैं, ये देखिए 5G के नेटवर्क आ रहे हैं, तो ये इस चीज़ पर तो रिटर्न होगा नहीं। तो चलिए अब इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ चला के देखते हैं, और कोई ऑप्शन हमारे पास क्योंकि बचा नहीं है तो ब्लूटूथ और वाईफाई चला के देखते हैं इसका कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए वाईफाई भी काम कर रहा है, और देखिए कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ मैं। तो देखिए वाईफाई कनेक्ट भी हो चुका है, और ब्लूटूथ भी मैं इसका देखता हूँ, ब्लूटूथ भी यहाँ पर होता है ब्लूटूथ। तो देखिए ब्लूटूथ भी अंदाजे से मैंने खोल लिया है, तो देखिए ब्लूटूथ खुल गया है इसका, काम कर रहा है ब्लूटूथ भी, ये देखिए पेयर डिवाइस कर रहा है, अभी ये पेयर कर रहा है। तो अभी शायद कोई आसपास डिवाइस नहीं होगा, बाकी ब्लूटूथ देखिए ओपन हो चुका है इसका ये रहा। तो ब्लूटूथ भी दोस्तों काम कर रहा है, तो आवाज़ वगैरह भी इसमें सही आ रही थी, सब चीज़ हम चेक कर चुके हैं। तो एक बार इसमें हम अपने YouTube भी चला के देखते हैं दोस्तों, तो ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अंदाजे से चला रहा हूँ तो इतना चल नहीं पा रहा, तो मैं YouTube चला के दिखा नहीं पाऊँगा आपको। तो देख लिया दोस्तों आपने D- ग्रेड की पॉलिसी के अंडर जो है इसमें एक ही कमी निकली है, तो इसमें दो कमी बोलती है कंपनी, लेकिन इसमें एक ही कमी निकली है, इसका फ्रंट कैमरा ब्लर है, और जो कि इतना ब्लर भी नहीं है, चल जाएगा, लेकिन अब मुझे ये रखना पड़ेगा और मुझे इसके डिस्प्ले चेंज करके जब बेचना पड़ेगा। तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, ये रेट टू रेट ही बिकेगा हमारा, इसमें कोई कमाई नहीं हो पाएगी। ऐसा तो हो सकता है कि इसमें हमें नुकसान हो जाए, लेकिन फ़ायदा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि ये 10,000 रुपये का हम बेच भी नहीं पाएंगे, और हमें 10,000 रुपये का पड़ जाएगा ये। तो देख लिया आप लोगों ने दोस्तों डिस्प्ले ओरिजिनल है इसकी, और D- ग्रेड में क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो चालू करने से पहले ही मैंने आपको सारी डिटेल दे दी थी इसके बारे में कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको D- ग्रेड में ऑर्डर लगवाना हो या D- में ऑर्डर लगवाना हो तो आप लगवा सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे लगवाएं, क्योंकि उसको रिटर्न करने की पॉलिसी बहुत ख़तरनाक है, तीन कमी दिखानी पड़ती है D- ग्रेड में, तब रिटर्न होता है। और D ग्रेड का फिर भी इजी है, D ग्रेड में अगर एक भी प्रॉब्लम आएगी तो वो रिटर्न डाल सकते हैं हम, पर ये दोनों जो ग्रेड है D- और D ग्रेड, इसमें हम दोस्तों डिस्प्ले को लेकर रिटर्न नहीं डाल सकते, डिस्प्ले कुछ भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है, ये एक अंधा जुआ खेलने के बराबर है। तो आने को सही भी आया मेरे पास, आपने देखे भी ये वीडियो जो 5600 रुपये का आया है, और सही भी फ़ोन आया, और देखे आने को ख़राब भी आया है। तो मैं तो ये कहूँगा इनका 50-50 का ही रेशियो है, तो आपको ऑर्डर लगवाना हो तो आप देख के लगवाए ऑर्डर, बाकी मैं तो सजेस्ट करता नहीं, मैं सजेस्ट दोस्तों यही करता हूँ कि आप सी ग्रेड तक ही ऑर्डर लगवाएं। सी ग्रेड के जो फ़ोन आते हैं बिल्कुल अच्छे आते हैं, कंडीशन वाइज भी अच्छे आते हैं, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में आते हैं जो सी ग्रेड के फ़ोन आते हैं। तो चलिए दोस्तों बस मैंने जो आपको दिखाना था वो मैं दिखाई चुका हूँ, और जो मैसेज देना था वो भी दे चुका हूँ। तो अब मैं D- ग्रेड के मोबाइल जो है वो बहुत ही कम ऑर्डर लगाऊंगा, जो अपने सी ग्रेड के लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें रिटर्न भी जैसे तीन प्रॉब्लम आ जाती है और मैं रिटर्न भी डाल देता हूँ, तो रिटर्न डालने के बाद भी 10 से 12 दिन का प्रोसेस लगता है। और देखिए हमारे 5300 रुपये अगर हमने मान लो रिटर्न डाल दिए, 5300 रुपये 12 दिन के लिए ब्लॉक हो गए, तो अगर हम इसी में हम 2000-2500 रुपये और डाल दें और सही फ़ोन मंगा लें सी ग्रेड में, तो वो हमारा बिक भी जाएगा, हमारे पैसे वसूल भी हो जाएंगे, अब हमारे 12-15 दिन तक जो है पैसे ब्लॉक रहेंगे ये। तो इस चीज़ को सोचते हुए भी मैं D- ग्रेड में और D ग्रेड में फ़ोन कम ऑर्डर लगाया करता था, सी ग्रेड में ज़्यादा लगाता था। तो ज़्यादातर भाइयों की व्हाट्सअप पे और यूट्यूब पे भी हमारे कमेंट आते थे कि D ग्रेड के D- के भी ऑर्डर लगाए,
तो मैंने लगा के दिखा दिया आपको, और ई ग्रेड के भी मैं अभी मंगाऊंगा कुछ फ़ोन, ई ग्रेड के भी आपको ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो ऐसी देखते रहें।